नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज नारियल की बर्फी बनाएंगे। कैसे बनती है आज बताते हैं, देखते हैं। ये मेरा नारियल दिया है, 250 ग्राम नारियल है, 250 ग्राम। अब इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे हल्का हल्का, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए, तेल निकल जाए थोड़ा सा। नारियल का बुरादा है ये, जो मार्केट में मिलता है वो। आप घर पे भी बना सकते हो, कच्चा नारियल का ऊपर का छिलका निकाल के, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़े काट के और मिक्सी में उसको कर चला लीजिएगा और वो नारियल का बुरादा बन जाएगा घर पे। लेकिन मैंने बाज़ार से मंगाया है, ये बाज़ार का है। अब इसको हल्का हल्का भूनना है, कलर नहीं चेंज करना है, ऐसे ही भूनना है, क्योंकि कलर नहीं निकालना है। थोड़ा सील सी होती है, इसलिए निकल जाएगी उसकी सील। अब निकाल के हमारा इसको भूंज गया है हमारा। ये हमारा भूंज गया है अच्छे से। हम उसे अलग थाली में निकाल लेते हैं। ये हमने थाली में अलग से निकाल लिया है। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। ये दूध है, ये देखिए दूध में हमने शक्कर मिला रही है, इसमें ही घोल रही है, मिक्स कर रखी थी कढ़ाई में डाल के। अब दूध को जब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ये, जबकि इसमें खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाढ़ा दूध हो जाएगा। दूध और शक्कर दोनों मिक्स है इसी में। देखिए चलाते रहिएगा दूध हमारा। दूध 300 ग्राम करीब है, और कटोरी से नापोगे तो एक कटोरी दूध है। दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब इलायची पाउडर डाल देंगे खुशबू के लिए इसमें। इलायची पाउडर भी आप मिक्सी में चला लीजिएगा इसके दाने निकाल के, तो वो पाउडर बनके तैयार हो जाता है। इसको चलाते रहेंगे, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है अच्छे से। बस इतना ही गाढ़ा करना है हमको। अब इसमें हमने जो पाउडर भूजा था नारियल का बुरादा, वो मिक्स करेंगे हम। ये हमने पूरा उसी में डाल दिया है। ये देखिए हमने पूरा बुरादा डाल दिया है। अब बाज़ार की बर्फ़ी कहाँ अच्छी होती है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त मिलावट चल रही है। आप घर की बर्फ़ी बना के खाइए, अपने परिवार को खुश करिए। जो बर्फी बनाई, ये हमने मिल्क पाउडर डाला है, 100 ग्राम करीब मिल्क पाउडर है। पैकेट में आता है, जो मैंने दो पैकेट डाल दिए, एक बड़ा पैकेट आता है। थोड़ा कम लग रहा है इसमें, हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए दूध ही दूध है, अब पाउडर है। ये मलाई है, एक चम्मच मलाई डाली है हमने। मलाई से चिकनाहट आ जाती है, जिससे अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है, दूध का भी स्वाद बढ़ जाता है इससे। अब इसमें पाउडर हम और थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि पाउडर हमें इसमें कम लग रहा है देखने में, क्योंकि अभी दूध दिख रहा है, मिक्स नहीं हुआ है। ये देखिए हम थोड़ा सा दो चम्मच पाउडर और डाल लेते हैं। मिल्क पाउडर डाला है हमने, अब मिक्स करते जब तक चलाते रहते हैं, जब तक ये कढ़ाई अपना नहीं छोड़ देती नारियल। अब इसको गाढ़ा करने तक तब तक चलाना है, जब तक ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अपना बेटर है पूरा वो कढ़ाई छोड़ दे। ये देखिए अब हो गया हमारा, इतना ही गाढ़ा सही रहेगा। और चला लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अपने आप शक्कर जो बनाई थी चीनी वो भी घुल गई, दूध भी गाढ़ा हो गया, मिक्स हो गया। अब जो जमने जैसी कंटेस्टेंट में हो गया है, ऐसा ही चाहिए हमको। आधा हमने अलग निकाल लिया है, इसको दो कलर में बनाएंगे। ये थोड़ा सा हमने निकाल लिया है इसमें बस एक चम्मच। अब इसको और चला लेते हैं थोड़ा, ये चिपकने लगा है। अब अच्छे से हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको भी हम कढ़ाई में, अब एक थाली लेते हैं जिसमें घी लगा के जमा देते हैं। आप चाहो तो आपके पास ट्रे हो जमाने वाली, तो उसमें जमा सकते हो, किसी में भी जमा सकते हो। मैंने थाली में जमाया है।
इसमें घी लगा लिया है पहले से। बाजार की मिठाई इस वक्त मिलावटी मिलती हैं, ये हमको साफ सुथरी शुद्ध पता है कि हमने इसमें क्या मिलाया है, हमें मालूम है। बाज़ार की मिठाइयों का मालूम नहीं रहता है इसमें क्या मिलाया है, कैसे मिलाया है। अब आधा मिक्सर जो हमने अलग रखा हुआ था ये हमने जमा दिया। अब दूसरा जो मिक्सर अलग निकाल के रखा हुआ था उसमें हम फ्रूट कलर मिलाएंगे, ग्रीन कलर मिलाया है हमने, देखिए मिक्स करा, हल्का ही मिलाया है ग्रीन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कलर मिक्स हो जाए उसमें, और इसके ऊपर से इसको डाल देंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर से इसको भी जमा के दिए अच्छे से, ये जम के हमारी बर्फ़ी भी तैयार हो गई। नारियल की बर्फ़ी आप भी बना के देखिएगा कैसे बनती है घर पे, और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत स्वादार बनती है। मैं तारीफ़ क्या करूँ कितनी अच्छी बनती है, आप खुद बना के देखिएगा तब आपको मालूम होगा कि कितनी अच्छी बनती है नारियल की बर्फ़ी। अभी जन्माष्टमी चल रही है, जन्माष्टमी के उपास में भी आप इसको खा सकते हो, क्या बढ़िया है, स्पेशल जन्माष्टमी के लिए ये बनाई गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो बहुत भी हमारी जम के तैयार हो गई है, कितने अच्छे पीस कटे हैं, बढ़िया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं दूसरी वीडियो नई नई ला लेके आ रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।